सार्थक भारत की दिन धनपत जन ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंची है। यहाँ की हकीकत तो आप जानकर दंग रह जाएंगे, ना तो कभी वीडियो साहब आते हैं और यहाँ जो भी स्टाफ है, चाहे सहायक विकास अधिकारी हो, वहाँ खाली कुर्सी पड़ी हुई है। उस कक्ष में जो भी लोग बैठे हैं वो ना तो मास्क लगाए हैं। बगल BMC करके एक दफ्तर बना हुआ है, वहाँ दो महिलाएं एक पुरुष आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय की हकीकत जानने के लिए शनिवार को दस्तक भारत की टीम जा पहुंची, जहां पर मौजूद अव्यवस्था देख आप भी दंग रह जाएंगे। जब ब्लॉक के BDO के कार्यालय में हमारी टीम ने एंट्री की तो सबसे पहले BDO की कुर्सी खाली मिली। जब वहां मौजूद कर्मचारियों से BDO के न होने का कारण पूछा गया तो कोई कर्मचारी बता न सका। वहीं दूसरी तरफ इस कोरोना काल में भी कोई भी कर्मचारी मास्क पहनना उचित नहीं समझ रहा है। जब संवाददाता ने पूछा तो वहां मौजूद एक कर्मचारी ने कैमरा बंद करके बात करने की नसीहत दे डाली। गौरतलब हो कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ना तो ब्लॉक पर सैनिटाइजर न ही थर्मल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था दिखाई पड़ी, और तो और ब्लॉक परिसर के मुख्य द्वार के ठीक बगल ही गंदगी का ढेर लगा है। स्वच्छता मिशन का माहौल खुले आम उड़ रहा है। फिलहाल ब्लॉक परिसर की इस इमारत को देखकर ये कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों से पुताई तक नहीं हुई है। कई कक्ष तो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। ब्लॉक परिसर की साफ सफाई नहीं की जाती है। क्या ये भी हो सकता है कि जब ब्लॉक प्रमुख या कोई बड़े अफसर आते हैं तो चाक चौबंद कर आँख में धूल झोंकने का काम कर दिया जाता है। मुख्य गेट के पूर्वी छोर पर बाउंड्री वॉल के अंदर अतिक्रमण कर चाय की दुकान भी संचालित है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि जहां एक ओर जिले के CDO और IAS अतुल वत्स ताबड़तोड़ निरीक्षण कर कर्मियों को निर्देश और फटकार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे BDO और कर्मियों पर लगाम लगा पाएंगे या फिर ऐसे ही ब्लॉक कर्मी स्वच्छता मिशन कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। जब कैमरे में हकीकत कैद होने लगी तो कोई मास्क ढूंढने लगा तो कोई गमछा। ब्लॉक पे हर कोई केवल मौज मस्ती करते ही दिखा, निरंकुशता साफ दिखाई पड़ी। किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया है। मास्क लगाने की जब बात की जाती है उनसे तो कहते हैं कि ठीक है हम लगा लेंगे। तो ये इस हकीकत को भी अफसरों को भी जानने की जरूरत है। यहाँ तो ब्लॉक मुख्यालय के बगल दीवाल के अंदर चाय की दुकान जबरदस्ती आक्रमण करके जो है चाय बिक रही है, और उसी के बगल गंदगी का इतना अंबार लगा हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अभी हाल ही में नवागत CDO आए हैं, कई ब्लॉकों का वो जा कर के दौरा भी कर रहे हैं, कहीं सड़क निर्माण देख रहे हैं तो कहीं जो है सांसद द्वारा बनी रोड देख रहे हैं। इस धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर भी उनको आने की जरूरत है, और यहाँ की अव्यवस्था, यहाँ की कर्मचारियों की मनमानी देख वो खुद सोचेंगे कि क्या स्थिति है। इसे जरूर देखें। दस्तक भारत से अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट। दस्तक भारत के लिए सुल्तानपुर से सुशांत के साथ अनुराग द्विवेदी की खास रिपोर्ट।